क्या मिनहसतुल कौम हमने पिछले 75 वर्षों में आज़ादी के बाद अपने औकाफ को, जिसकी जिम्मेदारी हमारी थी, जिसका कंट्रोल हमारे पास में था, क्या हमने सही ढंग से चलाया? अगर आप बात करने नहीं देंगे जफर महमूद साहब तो फिर बात नहीं होगी। देखिए जब जब बात आती है, हम मैं तो अपने को शामिल कर रहा हूँ ना इसमें, नहीं हुआ, इसको मानिए और तस्लीम कीजिए। सवाल ये है कि हम क्या अपने गिरेबान में जहमत करेंगे? कोई अकाउंटेबिलिटी हमारी भी होगी कि हमें हुकूमत वक्त से शिकायत आ रही? हुकूमत वक्त तो पिछले 10 साल से आपका हर तरह से नुकसान पहुंचा रही। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। सबसे पहले तो सेंटर के नए प्रेसिडेंट, इनको मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, और फुरकान साहब के ये सेंटर साहब ने भी कहा कि अभी तक जाना जाता था सिर्फ शादी ब्याह के लिए, अब उस काम के लिए भी जाना जाएगा आज के बाद से कि जिसके लिए ये बनाया गया था। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो तरीका होता है डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स और डायलॉग का, वो शुरू किया, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इसके साथ ही मैं नरेंद्र मोदी हुकूमत का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस अमेंडमेंट बिल को लेकर के आए, और इसने हम सब लोगों को यहाँ मजबूर किया कि हम आए, बैठें और खौज करें और इसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं उस पर बात करें। जफर महमूद साहब जाहिर है एक्सपर्ट हैं औकाफ के, और उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया, प्रेजेंटेशन रादर, और उसमें बताया। लेकिन माफ कीजिएगा जफर महमूद साहब, क्या 2013 का अमेंडमेंट आने से पहले औकाफ का सब कुछ कामकाज ठीक चल रहा था, या 13 के बाद से अब तक? अभी तो ये लागू नहीं हुआ, अभी तो इस पर डिबेट हो रही है और सेलेक्ट कमेटी को गया हुआ है, सेलेक्ट कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद ये पार्लियामेंट में आएगा और फिर पास होगा या नहीं होगा, उस पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। लेकिन क्या मिनहसतुल कौम हमने पिछले 75 वर्षों में आज़ादी के बाद अपने औकाफ को, जिसकी जिम्मेदारी हमारी थी, जिसका कंट्रोल हमारे पास में था, क्या हमने सही ढंग से चलाया? अगर आप बात करने नहीं देंगे जफर महमूद साहब तो फिर बात नहीं होगी। देखिए जब जब बात आती है, हम मैं तो अपने को शामिल कर रहा हूँ ना इसमें, नहीं हुआ, इसको मानिए और तस्लीम कीजिए। और उसकी वजह है कि देखिए अभी जिक्र हुआ यहाँ ओबराय होटल के सामने की जगह का, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ लाल मस्जिद मेरे सामने, उस कब्रिस्तान पे गवर्नमेंट ने अपनी इमारत तामीर कर दी। 2-3 वकील थे जो बेचारे भागे दौड़े, लेकिन ये मेरी इस कौम की ये बेहिसी है, ये सर्दमहरी है कि हमारा जमीर जगता नहीं है इस बात पे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जाहिर है कि आप तलवार के जरिए से तो जिहाद करेंगे नहीं, यही तरीका है जिहाद करने का कि डिबेट, डिस्कशन और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो आपको सारे अख्तियार देता है, आपको कोर्ट जाने तक की इजाजत देता है, और इसीलिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि न सिर्फ इस मामले में बल्कि हर मामले में। मीम अफजल साहब माफ कीजिएगा, आप कह रहे थे कि उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, अगर ये सेंटर भी नहीं पढ़ेगा तो क्या आपके पास में कोई और इंस्टीट्यूशन है जिसके जरिए से आप अपनी बात कह सकते हैं? और ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपनी कलम से इसको अलॉट किया है और ये बनाया गया है। अगर यहां भी हम अपनी बात कहते हुए शर्माएंगे तो फिर कहां शर्माएंगे? और जफर महमूद साहब माफ कीजिएगा, मेरे वालिद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 6 साल प्रेसिडेंट रहे, 78 to 84, और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास अकेले इतनी प्रॉपर्टी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी 4 यूनिवर्सिटियां कायम की जा सकती, लेकिन 1 लाख रुपए आप जेब में डाल के जाइए, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जाकर के उस क्लर्क को दीजिए और 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी के आप मालिक होकर के आ जाइए, और उसे बीच मेरठ में बीच शहर के अंदर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं आज भी। एसवाई कुरैशी साहब
छह साल पंजाब वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने बताया 85-86 में जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया, मैं गया था उधर कार्लो और कलानोर के इलाके में, वहां मैंने कुछ वक्त की प्रॉपर्टियां देखी जिसमें एक प्रॉपर्टी में मस्जिद में शराब की दुकान खुली हुई थी, और मैंने आकर के एक एडिटर को के सामने जिक्र किया, तो उसने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, फौरन जाओ और इसको कवर करो। मैंने कवर नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था कि उसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं। और बाबरी मस्जिद का भी कजिया जब चल रहा था उस वक्त भी एसआई कुरैशी साहब ने कहा कि पंजाब में ऐसे ऐसे केसेस हैं, अगर उनको उजागर हो गए तो ये सारा केस बाबरी मस्जिद का गिर जाएगा कि हम अपनी औकाफ की प्रॉपर्टीज को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, सवाल ये है कि हम क्या अपने गिरेबान में झांकने की जहमत करेंगे? कोई अकाउंटेबिलिटी हमारी भी होगी कि हमें हुकूमत वक्त से शिकायत आ रही है? हुकूमत वक्त तो पिछले 10 साल से आपका हर तरह से नुकसान पहुंचा रही है, आपको हर तरह से जलील और ख्वार कर रही है, तो क्या करेंगे आप, उससे कैसे निपटेंगे? उसको एक इस डिस्कशन में, हालांकि इस पे एक अलग से भी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होना चाहिए जिसमें 5 या 10 लोग हों, उससे ज्यादा नहीं, और वो ये सारी तजावीज जो यहां आई है कि हम किस बेसिस पर इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, या अगर ये बिल पास भी होना है तो इसमें क्या अमेंडमेंट्स आएंगे, उसके बारे में हम कम से कम अपने आप को तो एजुकेट कर लें, अपने आप को तो तैयार कर लें। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताजा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।